नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि वजाइनल रिजुविनेशन क्या होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर सुखबीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, न्यू दिल्ली। वजाइनल रिजुविनेशन बेसिकली मतलब होता है कि आपके वजाइना को हम रिजुविनेट कर रहे हैं, मतलब उसको यंग टोनिंग दे रहे हैं या लुक दे रहे हैं। वजाइनल रिजुविनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने कई बार ऐड देखी होगी कि वजाइनल स्ट्राइटनिंग लिखा होता है या लिवर शेपिंग लिखा होता है। तो समझने की बात यह है कि वजाइनल रिजुविनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें फैट ग्राफ्टिंग टू द वजाइना भी आता है, लिवर रिशेपिंग भी आती है, वजाइनल टाइटनिंग भी आती है जो आप सर्जिकली या नॉन सर्जिकली कर सकते हैं। और उसमें और भी छोटे छोटे प्रोसीजर्स आते हैं जो आप वजाइनल टाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं या रिजुविनेशन कर सकते हैं। जैसे हाइमोप्लास्टी छोटा सा पार्ट है, वो भी कंबाइन हो सकता है। तो ये सारी चीजें वजाइनल रिजुविनेशन कहलाती हैं। ये एक मॉमी मेकओवर का भी एक छोटा सा पार्ट होता है वजाइनल रिजुविनेशन, जो कि लेडीज जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं वो भी वजाइनल रिजुविनेशन करा सकती हैं। अब आपकी चॉइस होती है कि आप क्या प्रोसीजर कराना चाहते हैं। ये आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको सारी चीजें बताएंगे कि ये प्रोसेस पॉसिबल है और आपके लिए क्या सूटेबल है, आपकी क्या इच्छा है कि केवल आप टाइटनिंग कराना चाहती हैं या आप लेबर रिशेपिंग कराना चाहती हैं या उसको थोड़ा और टोनिंग देनी है। तो आप अपने फैट जो आपकी टमी में फैट है उसको यूटिलाइज करके वो फैट हम लेबिया के आसपास डाल सकते हैं, जिससे कि एक यंगर फुलर लुक मिल सकती है आपकी वजाइना को। और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि डीपिगमेंटेशन करना वजाइना की, जो कलर डार्क हो गया है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसको भी हम लाइटन कर सकते हैं थ्रू लेजर टेक्निक। लेजर से आराम से हो जाता है, छोटा सा प्रोसीजर होता है, क्लिनिक में हो जाता है। तो ये भी एक वजाइनल रिजुविनेशन का पार्ट है। सो आप आ सकते हैं हमारे पास या जिस डॉक्टर के पास भी आप जाएं, सारे प्रोसीजर आप डिस्कस कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपके मन में क्या शंकाएं हैं वो दूर कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली जो आपको चाहिए आप केवल वो प्रोसीजर करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्बिनेशन भी करा सकते हैं, जैसे टाइटनिंग करा लिया और लेबियल रिशेपिंग भी करा सकते हैं या फैट ग्राफ्टिंग करा सकते हैं या केवल वजाइनल टाइटनिंग एंड हाइड्रोप्लास्टी करा सकते हैं या केवल आप वजाइनल व्हाइटनिंग या ब्लीचिंग भी करा सकते हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कराना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी वजाइनल रिजुविनेशन के बारे में जानकारी बढ़ी होगी एंड केवल वजाइनल रिजुविनेशन को टाइटनिंग से मत कंफ्यूज कीजिए या लेबियल रिशेपिंग से कंफ्यूज मत कीजिए। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो एक वजाइनल रिजुविनेशन का पार्ट बनाते हैं। सो टॉक टू योर डॉक्टर, उनसे बात करिए, समझिए। अदरवाइज यू कैन व्हाट्सएप टू आवर नंबर्स बिलो एंड आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी जानकारी और बढ़ी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद।